रेलवे स्टेशन बर्डी में आज मध्य रात्रि पीयूष इंटरप्राइजेस नामक नई ठेकेदार कंपनी ने वर्ष 2006 से सफाई का काम करने वाले सैकड़ों कामगारों को नौकरी से निकाल दिया है और स्टेशन परिसर को जीआरपी और आरपीएफ जवानों द्वारा इन कामगारों के खिलाफ बंदोबस्त पर लगाया गया है। सभी बेरोजगार हुए कामगारों और शिव सैनिकों को लेकर शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने डीआरएम कार्यालय मध्य रेलवे के कार्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन किया। सभी शिव सैनिक व कामगार भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस और आरपीएफ जवानों की जद्दोजहद के बावजूद डीआरएम कार्यालय तक पहुंचे। हाथ में सरकारी कार्यालय में शराब पीते अधिकारियों की फोटो को लेकर डीआरएम न्याय तो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कपिल वर्मा को सस्पेंड करो, अनिल बोडे को जेल में डालो के नारे लगाते हुए तीव्र आंदोलन किया गया। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सदर पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने मध्यस्थता करते हुए डीआरएम मनीष अग्रवाल और शिवसेना शिष्टमंडल की बैठक करवाई। डीआरएम अतिरिक्त डीआरएम आरपीएफ कमांडेंट की उपस्थिति में नितिन तिवारी ने मध्य रेलवे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 4 महीनों से स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य अधिकारी एवं अनिल बोडे द्वारा कामगारों से वेतन के पैसों की वसूली के सबूत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि अनिल बोडे द्वारा कामगारों को धमकाने और मारपीट करने की वारदात को स्टेशन परिसर में लगाकर अंजाम दिया जाता जा रहा है। बावजूद इसके स्टेशन परिसर में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में 19 जून को शाम 5 से 6 बजे के बीच अजनी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बोडे और ठेकेदार सतेंद्र नरवरिया शराब और मटन पार्टी करने के सबूत डीआरएम मनीष अग्रवाल को देने के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारी कपिल वर्मा एवं समीर चांदे द्वारा कामगारों की हाजिरी पंचिका तथा एमपी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार कर रेलवे को चूना लगाने के सबूत देने के बावजूद अब तक डीआरएम मनीष अग्रवाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि निर्दोष बेकसूर वसूली न देने वाले और वसूली के खिलाफ आवाज उठाने वाले सैकड़ों महिला और पुरुष सफाई कामगारों को आज मिली भगत कर नौकरी से निकाला गया है। आंदोलन हा सेकंड विषय होता, सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार आहे। 2 दिवसा अगोदर किंवा 1 दिवसा अगोदर साउदर्न रेल्वेचे डीआरएम यांना सीबीआयने अरेस्ट केलेला आहे। काय आरोप का होते की भ्रष्टाचार, झीरो टॉलरन्स म्हणून संसद मध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री हे आश्वासन देऊन राहिले, परंतु भ्रष्टाचारच्या बुनियादवर ही रेल्वे पडत आहे आणि हे रेल्वेचा जो काही जीविकापार्जन चालत आहे तो भ्रष्टाचारवर आणि त्याचा जीवता जागता उदाहरण आज हे कामगार आहेत। ह्या कामगारांनी वसुलीची शिकायत तक्रार केली होती फोनपेवर, गुंड्यांना माफिया लोकांना वसुली करण्याची ही तक्रार आम्ही डीआरएमकडे दिली होती। मागच्या 4 महिन्यापासून हा लढा सतत सुरू आहे। आज एकाएक त्यांनी काय केलं की पूर्ण कामगारांना बेघर केलं, कामगारांना बाहेर काढलं आणि डीआरएमचं म्हणणं आहे की तो आमची कॉन्ट्रॅक्टर ऐकत नाही, आम्ही त्याला रिक्वेस्ट करू। म्हणजे डीआरएम हा रेल्वेचा डीआरएम एका क्लिनिंगसाठी कॉन्ट्रॅक्टरला रिक्वेस्ट करेल, म्हणजे ही सगळं मिळून भगत आहे, हे पूर्ण गुंतवणूक आहे भ्रष्टाचाराची। आणि रेल्वेमध्ये हा जो मोठा भ्रष्टाचार होत आहे लेबरच्या नावावर, कोणाचे पीएफ नाही, कोणाचे दिहाडीचे मजदूर आणून काम करत आहे, हा एक मोठा भ्रष्टाचार। मी आदरणीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता सेंट्रल ह्या माध्यमातून त्यांना पण रिक्वेस्ट करतो, ही मोठी आहे, इकडेच नाही पूर्ण हिंदुस्थानमध्ये होणार। आज आम्ही आलो की जर कामगार, हेच क्लिनिंग कामगार जे 2006 पासून 14 कॉन्ट्रॅक्टरची लिस्ट आहे, हे 14 कॉन्ट्रॅक्टर त्याच कॉन्ट्रॅक्टर लेबर इकडेच राहतात पण कॉन्ट्रॅक्टर फक्त चेंज होतात, परंतु हा नवीन कॉन्ट्रॅक्टर आला कारण की यांनी वसुलीचे आरोप लावले यांच्यावर। सीएचआय कपिल वर्मा एक आहे आणि बोडे म्हणून अनिल बोडे म्हणून एक गुंडा आहे, गुंडा प्रवृत्तीचा, त्याचे नातेवाईक आरपीएफमध्ये जीआरपीमध्ये नोकरी करतात म्हणून यांना काढण्यात आला। मी आज आलो, आज आम्ही धरणं देऊन बसलो होतो आज मध्य रेल्वे डीआरएमच्या ऑफिसमध्ये। मग त्यांनी सांगितलं की संध्याकाळी 5 वाजता कॉन्ट्रॅक्टरला बोलवण्यात येत आहे, प्रायोरिटीवर पहिले ह्या कामगारांना ठेवण्यात येईल, मग नंतर कामगार लागले तर दुसरी पहिली संख्या यांची प्रायोरिटीवर घेतील। तिवारी ने मांग रखी है कि जब तक कामगारों को वापस काम पर ले जाने का आदेश नहीं दिया जाता तब तक डीआरएम कार्यालय में ठिया आंदोलन जारी रहेगा। अंत में डीआरएम मनीष अग्रवाल ने वरिष्ठ डीएमई मोहित मंडलेकर को तुरंत पीयूष कंपनी के ठेकेदार को बुलाकर इस पुराने सफाई कामगारों को वापस काम पर लेने का आदेश जारी किया। तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि कामगारों से वसूली की गई या फिर काम पर से निकाला गया तो शिवसेना नागपुर शहर की ओर से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में कार्तिक करोसिया, कमलेश त्रिपाठी, प्रीतम कापसे के साथ सैकड़ों महिला पुरुष कामगार उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।